बताएं कि आपने पार्टी का इंतखाब क्या लीडर देख के किया था? अपने वालदैन का तो हम चुनाव नहीं कर सकते ना, तो लीडर तो हम चुन सकते हैं। तो मैंने बहुत बहुत देखा, बट बहुत सोचा। बिकॉज पहले मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं था, अब मैं कंफर्ट जोन में। देखे ना, मेरी नूर फातिमा 20 साल की हो गई, नूर जैनब 19 की हो रही है, अब्बास 17 का हो गया है, पैसे आते हैं वकालत से। मुझे वहम ये था अपने बारे में कि मैं खान साहब के पीछे खड़ा होऊंगा तो हर मोहल्ले से शायद 5 वोट उनकी पार्टी को ज्यादा पड़ेंगे। अच्छा, अदरवाइज आई वॉन्ट नथिंग। देखिए, पार्टी ज्वाइन इसलिए नहीं करते कि मुझे मिलना क्या है, पार्टी ज्वाइन इसलिए करते हैं कि मैं दे क्या सकता हूं। मैंने इलेक्शन लड़के क्या करूंगा, यानी कौन सा टैक्सी ड्राइवर है या रिक्शा ड्राइवर है इस मुल्क में जो मुझे पसंद नहीं करता? व्हाट विल आई गेट बाय बीइंग एन एमएनए? क्या फर्क पड़ेगा उससे? सो कोशिश ये करनी है कि मैं जब ये मुहिम शुरू हो और इलेक्शन कैंपेन शुरू हो तो मैं अपने लोगों से ये, उनके खान साहब से मिल के ये अर्ज कर सकूं कि भाई अगर आप चाहते हैं गुर्बत से निकलना, गुर्बत से निकलना, अगर आप चाहते हैं मुल्क की हालात, तो आपकी टॉप लीडरशिप वो होनी चाहिए जिसके बारे में उंगली ना को उठाई जा सके। आजकल क्या हुआ नियाज अफजल, क्या हो गया? ये क्या दीवान है? नारायणी टू, नारायणी टू ना जाने नहीं जरा। अच्छा, ये क्या हुआ तुम्हें? मैं अफजल और निर्गोल इनो स्लीपर आज पाए ने स्लीपर तोड़े बिरा नु बड़ी फेंटी पई। क्यों? बस आज थोड़ा बिरा अचानक चला गया कचहरी। मगर तुम तो खुद पुलिस वाले हो। हां, ए मैंने याद नहीं रहा उस टाइम। मगर हुआ क्या? उधर दो वकीलों का झगड़ा हो गया कोई मकान खाली कराने के चक्कर में। मैंने कहा आपस में सुलह सफाई कराते हैं, द ग्रेट जस्टिस। लेकिन किथे आजी साहब, बस छुड़ाउंदियां छुड़ाउंदियां है कि गुस्सना वजे मेरियां नासां ते। ओए होए, उस तो बाद फिर लगातार वजे। हाय भाई, तुम्हारे भाई को मारे खाते में 21 साल हो गए। क्या? लेकिन वकील दा ते सुन सीधा नासां ते। मतलब वकीलों से मार खा ली? बस मैं समझ नहीं आई, चारों पासों फिर ठुड्डे बजे ने। हाय हाय भाई, एक तो उनको जो तारीख लेट हुई उसका गुस्सा निकाला। अच्छा, और जो तारीख 3 महीने बाद मिली उसका भी गुस्सा मुझ पे होता है। ये तो इट हैज बीन ग्रेट एक्सपीरियंस। क्या कहना जी, ऐसा मजा आया और जिंदगी में मैंने कसम खाई है। क्या? कचहरी नहीं जाना। अच्छा, चाहे मुझ पर केस हो जाए, कचहरी हैज बीन नॉट गॉन। माशाल्लाह, मेहर बुखारी साहब। मेहर बुखारी, खुदा का खौफ करो। नहीं नहीं नहीं, सजा अपना की ना है, की ना है। मैं पहचान लिया कौन ने, गोली अपना फैसल बुखारी। नहीं फैसल बुखारी यार, नहीं 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 बुखारी, नहीं बुखारी साहब, बिल्कुल। ओए ओए ओए, मैं ते ए मेरे बड़े फैन हैं। क्या? नहीं वैसे बुखारी साहब, ये सर एक बड़ा हो गया है, बड़े कुछ एग्रेसिव एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो गए। देखिए, हमारे इस्तेलाह में एक लफ्ज आया है, वुकला गर्दी। वुकला गर्दी, हम में से कुछ तो बदमाश हो गए। अल्लाह रहम करे। हम मारते हैं, हम जजों को मारते हैं, हम आपको मारते हैं, हम जजों की अदालतें बंद कर देते हैं, हम स्टाफ को मारते हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ। कचहरियां जाके देखो, दो कुर्सियां एक बेंच संगल पाके टाली नाल बने हैं। खुदा की कसम बेटा, मैं आपको बता दूं, मैंने वकालत छप्पड़ के नीचे शुरू की है। अल्लाह। और मैं रात को उसको संगल के साथ 4 कुर्सी और मेज को बांध के जाता था। तो गाली कर रहे मैं आपको पता है कि नहीं बुखारी साहब का क्यों फैन हूँ? क्यों? वो इनकी मैंने फिल्म देखी थी, लवली एलएलबी। जॉली एलएलबी फिल्म नहीं थी, वो वकीलों पे फिल्म थी, जॉली एलएलबी। वकील ही है ना, जॉली एलएलबी, बड़ी जबरदस्त। उसमें आप नहीं थे? नहीं नहीं, इसलिए मैं आपका फैन हूँ। मैं इसलिए फैन हुआ, उसमें आप नहीं थे। तो अपना कोई 2 मिनट में बैठ जाओ, बढ़िया से बात करिए। आप चुप रहेंगे, हमने मेरे मुंह तो तुसी जेप ला दे बस। ठीक है जी, तो आप खामोश बैठेंगे क्योंकि हमने मैं बे तुसी बे अपना जी जी। हां जी, आ जेड़ा मेरे कान सिद्ध कर दिया। अच्छा, ताडे ताडे कन्ना ते पईयां ने उथे। थैंक यू सर, आई रियली लव यू सर। आई आई, बिस्मिल्लाह। सर जी सीट एवें लुआई, इन्हां नूं गुट ते बा लेना सिद्ध। ते कितने बजे तक प्रोग्राम है? क्यों तुसी बोतला चुकनी है? नहीं, मैं कहा भाई जान जांदे 200 रुपए दे के जान गए। ये लो
आप 1000 रुपए ले लें। बड़ी मेहरबानी सर। ओ लाल वाले नोट थोड़े को गुम हो जाने। नहीं मैं ले जी सर, 2020 का सेगमेंट है, रैपिड क्वेश्चन आपसे करेंगे, लेकिन सवाल जरा आसान रखिएगा। आपसे नहीं, बुखारी साहब से हो रहा है सेगमेंट। वही मैं कह रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करना। ओके, मैं एक सवाल पूछ लूं। जी सर, ये एसपी रैंक पे रखी जाती है, आप एसपी तो नहीं अभी? नहीं, उन्होंने मैंने दी थी उधार। अच्छा, सर आपकी नजर में पाकिस्तान के लिए बेहतरीन लीडर की खसूसियात किस में है? नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब या परवेज मुशर्रफ साहब? देखें, इस पे थोड़ी सी बहस भी हो सकती है। नरगोली भाई, ये उनसे सवाल है। सर, इन तीनों में से तो ऑब्वियसली परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ, ठीक है सर। सर, आपके दौर के पसंदीदा हीरो कौन थे, मोहम्मद अली, वहीद मुराद साहब या फिर नदीम बेग? उस वक्त मैं था ही नहीं। मैं नरगोली, तेरी गल नहीं हो रही हो भाई, वो देसी कुकड़ ना लड़के कप जीतने वाले आ। मोहम्मद अली साहब, ठीक है, मीठे आदमी, ठीक है, बड़ी इनसे मोहब्बत। सर ये बताइए, आपके ख्याल में इनमें से बेहतरीन होस्ट आपको कौन लगते थे? इन नाले ने सवाल। हाँ जी जी जनाब, नहीं बुखारी साहब के साथ मैं के बाद है जो मैं भेज देता हूँ। इनके साथ वकीलों ने आज क्या किया? मारा है सर बहुत। अब आप बोले ना, मैं पानी फेंक दूंगा। पानी ना पाना, उन्होंने पेंशन नजर आने लग पड़े ने। पानी ज्यादा तत्व तो नहीं। बड़ी मेहरबानी सर। आपके फेवरेट होस्ट इनमें से कौन थे, अनवर मकसूद साहब, दिलदार परवेज भट्टी या फिर तारिक अजीज साहब? पानी पी लूंगा फिर दस। जी नईम साहब, सर मेरे लिए दिलदार परवेज भट्टी। दिलदार परवेज भट्टी, बहुत सारी तालियां एक बार दिलदार परवेज भट्टी साहब के लिए। सर ये बताइए, अगर आपको हीरो आने का मौका मिले तो इनमें से किस हीरोइन के साथ हीरो आना चाहेंगे? महविश हयात, सुहाय अली अबड़ो, मायरा खान? मेरे ख्याल है मायरा खान ही ठीक है। आपके ख्याल में अगर ये लोग अपनी फील्ड्स में ना होते तो इनको कहां होना चाहिए था एज एन ऑल्टरनेट? राणा सनाउल्ला? किसी नाइट क्लब में बॉक्सर होना चाहिए था। बाजे बार में आते हैं लोगों को नाइट क्लब में बॉक्सर। नाइट क्लब में बॉक्सर मौलाना फजलुर रहमान, उनको आड़त का काम करना चाहिए और मिर्चों में कुछ मिला के बेचना चाहिए। जमशेद दस्ती? यार जमशेद दस्ती को मैं एडमायर करता हूँ, इसलिए कि वो सेल्फ मेड आदमी है। चौधरी निसार अली खान, उनको खफगी कम करनी चाहिए। ठीक। जहांगीर तरीन? जहांगीर तरीन एक कामयाब बिजनेसमैन है। और सर नईम बुखारी साहब अगर वकील ना होते तो क्या होते? एक मुझे बेटा पढ़ाने का बड़ा शौक है, लेकिन मैं रोज रोज पढ़ाने को बोरिंग समझता हूँ। आई थिंक हमारी एजुकेशन में कमी है वो ये है कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती। लेट देम अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। हमारा ट्रेडिशनल मेथड यह है कि प्रोफेसर आता है और वो घा घा लिख रहे हैं। ना बाबा ना, ए टीचर मस्ट गो टू लर्न। टीचर मस्ट गो टू लर्न। अनलेस ही वांट्स टू लर्न, वो समझता है मैं को अफलातू का पुत्र हूं। ना, ये नई जनरेशन है भाई, ये कंप्यूटर जनरेशन है। मैंने तो कंप्यूटर देखा नहीं, मैं आज तक नहीं चला सकता। मेरा बेटा जो है वो 6 साल का था तो उसको हर चीज आती है। आई डोंट नो इट। ये एक जनरेशन है जिसको एक्सपोज टू इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है। वी आर अंडर एस्टिमेटिंग देम। ए न्यू जनरेशन मस्ट कम। क्यों है 44 साल का वजीर आजम कैनेडा का, 44 years old? वाई इज ही ट्रूडू का बेटा? वाई इज ही डेविड कैमरॉन की कितनी उम्र है? सो वी मस्ट प्रिपेयर द नेक्स्ट जनरेशन। और इस पार्टी में जिसका मैं अब हिस्सा बनाऊं, मैं अपने लीडर से मेरी दिल से दरख्वास्त ये होगी कि जब भी अगली इलेक्शन हो नए बच्चे लाए। अगर बेटा तेरे से है, ये मुल्क तेरा है, हम तो जा रहे हैं, जरा बूढ़े हो चुके हम नए। और आप सबसे अपील है कि नए बच्चों को वोट डालें। कब निकलेंगे हम इस कबीले में? मैं जाटा जी, मैं जाट नू वोट पाना तो क्यों भाई? मैं इराई हूं, मैं इराई नू वोट पाना कानू भाई? जब तक आप नहीं निकलेंगे, जब तक आप लोग तैयार नहीं होंगे कि इसमें धांधली ना हो,
जो आप फैसला करें वही रिजल्ट निकले, ये ना हो कि आपने वोट कहीं डाले हैं और नतीजे, ये मुल्क ठीक नहीं है। बारह सर आप पीटीआई में हैं और इंशाल्लाह मैंने पीटीआई के साथ बड़ी ड्यूटी की है। अच्छा हाँ जी, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है ना जी वो हमारा होगा। क्या मतलब आप तो आपने पीटीआई से क्या सीखा? ओए सोनिया आखिरी गल ही मैं तेन दस के जा रहा। अच्छा हकूमत जेड़ी पार्टी दी भी होवे पुलिस दी होंदी है, क्योंकि लित्र ते असीं मारने होंदे ना बाप।